हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक हमारे व्यूअर हैं जो ये बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब डिस्काउंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए डिस्काउंट का सॉफ्टवेयर मैंने पहले भी बनाना सिखाया है, तो उनको दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे ही डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है तो जो टोटल अमाउंट लग रहा है तो उसमें से डिस्काउंट माइनस होना चाहिए, तो माइनस नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ, ठीक है। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 ही यूज करूंगा और इसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये डिस्काउंट किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेस का 2007 ओपन किया है और यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे मैं चला गया, ठीक है। यहाँ से आएगा डेटाबेस का नाम, तो आप चाहे तो चेंज कर लीजिए या तो सेम रहने भी दे सकते हैं। तो यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐसा सिनेरियो आएगा और यहाँ से व्यू पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसे डिस्काउंट, ठीक है। ये डिस्काउंट नाम दे दिया और एंटर कर दिया। अब यहाँ पर आईडी आ रही है, यहाँ पर आईडी छोड़ देते हैं, ऐसे ही नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, नेम अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम आएंगे, इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्राइस आएगी उसका जो डेटा टाइप होगा उसे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम करेंसी रखने वाले हैं, ठीक है, और यूनिट को कर देते हैं यहाँ पे यूनिट। तो यूनिट को हम रखेंगे यहाँ से नंबर और बना देंगे यहाँ पे डेसिमल भी, ये एंट्री हो सके इस तरह का हम बना देंगे। तो यहाँ पे डबल बनाना होगा, डबल यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड साइज में डबल आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे टोटल करना है, तो ये तो कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 नहीं है, 2016 नहीं है, 2019 नहीं है कि यहीं पर हम टोटल कैलकुलेशन कर सके कैलकुलेट डेटा टाइप की मदद से। तो यहाँ पर हम नंबर डेटा टाइप ही चूज करने वाले हैं, तो ये नंबर चूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्काउंट आएगा, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, ये अगर आप क्राइटेरिया भी देना चाहते हैं तो क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डिस्काउंट आपका जो है प्राइस जो है कुल मिला के जो सामान खरीदा आपने वो 500 का हो गया, तो 500 पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, 500 का 1% मिलेगा। अगर 1000 हो गया तो उस पर 2% मिलेगा, अगर 10000 हो गया तो उस पर 5% का डिस्काउंट कर दिया जाएगा। इस तरह का कुछ क्राइटेरिया बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पे लगाऊंगा डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट, ठीक है। अब ये डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिस्काउंट जैसे मान लीजिए, अब ये तो हम पहले तो डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से नंबर डेटा टाइप से बनाएंगे और यहां पर क्या करेंगे, इसे बना देंगे डबल, क्योंकि डबल नहीं बनाएंगे तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा। और इसे बना दीजिएगा क्या, परसेंटेज, ठीक है। तो ये परसेंट बना दिया। अब यहां पे देखिए परसेंट में आ जाएगा डिस्काउंट, ठीक है, यहां पे ये भी लिख देता हूं डिस्काउंट इन परसेंट। तो ये परसेंट में, तो जो भी डिस्काउंट आएगा ये परसेंट में यहां पे देना है, उसके हिसाब से टोटल प्राइस कैलकुलेट होना चाहिए, फाइनल प्राइस या फाइनल पेएबल, पेएबल ये फाइनल पेएबल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल पेएबल आएगा, तो यहाँ पे नंबर करके और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आएगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है यू मस्ट हैव, यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, तो यस कर दीजिएगा, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का नाम डालना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, मैच बॉक्स, माचिस कर देते हैं मैच बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया। इसके बाद इसकी प्राइस आएगी, तो मान लीजिए इसकी प्राइस है 10 रुपए और ऐसे ऐसे 500 मैच बॉक्सेस यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पर अब डिस्काउंट की बात आएगी। तो डिस्काउंट मान लीजिए इस पर कुछ भी कर दिया, जैसे मान लीजिए 500 का खरीदा है तो इस पर 1% का डिस्काउंट लगा दिया, तो परसेंट लगाने की जरूरत खुद से आएगा, लेकिन यहाँ फाइनल पेएबल कैलकुलेट होना चाहिए, यानी डिस्काउंट करने के बाद 1% डिस्काउंट जो होगा वो आएगा, उसके बाद से फाइनल पेएबल आना चाहिए, और डिस्काउंट वाला अमाउंट अगर आएगा तभी तो आप फाइनल पेएबल निकाल पाएंगे, ये भी एक बात है। तो यहाँ पर एक बार डिस्काउंट अमाउंट भी यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये लिख दिया डिस्काउंट और अमाउंट भी कर देते हैं AMOUNT, तो यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट भी हम देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे और वो यहीं पे आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करके और फिर वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यही चीज हमको कैलकुलेट करना है, पहले तो टोटल और फिर यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट, तो फाइनल पेएबल तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको चलते हैं, पहले इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं, तो ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर आना है और एक क्वेरी बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेरी पे आएंगे, यानी क्वेरी डिजाइन पे आएंगे और यहाँ पे डिस्काउंट वाला जो टेबल है इसको ले लेंगे और बाकी के सारे फील्ड्स हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो सारे फील्ड्स हम ले चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर टोटल करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम व्यू पे लूंगा तो आपको बेहतर वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जूम व्यू पे लेके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसे कैलकुलेट करना है। तो ये टोटल है, तो टोटल कैलकुलेट होने के पीछे क्या मतलब ये है, तो यहाँ पे प्राइस को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट, इस तरीके से आपको कर देना है और जैसे ही ये करेंगे ओके करेंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट आया हुआ है, तो डिस्काउंट जो भी परसेंट में देंगे उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट आ जाना चाहिए, ठीक है।
तो डिस्काउंट अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्राइस में ही आपका डिस्काउंट छिपा होगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाई आप क्या करेंगे, ये यहां पर डिस्काउंट इन परसेंटेज करेंगे, ये डिस्काउंट इन परसेंट जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही दे दीजिएगा और दे करके इसको क्लोज कीजिएगा और यहां से ओके कर दीजिएगा, तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ, तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इस पे जो डिस्काउंट आया है, तो यहां देखिए कुल मिला के 5,000 रुपए हुए हैं और 0.1% का डिस्काउंट इस पर मिल रहा है, ठीक है। एक पर अब 10 रुपए का मैच बॉक्स है तो हमने प्राइस में निकाल दिया ना, टोटल में निकालना चाहिए था, यहाँ पे गलती हो गई, तो इसको यहाँ पे टोटल पे कर दीजिएगा बस, बाकी सब सही है। यहाँ पर बस क्या करना है हमें, टोटल पे से करना है, ये देखिए ये प्राइस पे कर दिया ना जिसकी वजह से दिक्कत हुआ, यहाँ पे टोटल पे करना है, TOTAL, ये टोटल पे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। प्राइस हटा देते हैं, टोटल पे करते हैं TOTAL। अब देखिएगा अब यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा और यहाँ पे देखिए ये अब यही चीज 50 रुपए आ गया। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, फाइनल पेएबल करना है, तो फाइनल पेएबल अब निकल जाएगा, कैसे निकलेगा फाइनल पेएबल, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर हमको सीधा सीधा आ जाना है और यहाँ पर मैं आके दिखाता हूँ आपको करना क्या है। देखिए जो आपका टोटल है ना उसमें से डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर दीजिएगा, तो टोटल माइनस यहाँ पे करिएगा डिस्काउंट अमाउंट, यहाँ पे देखिए ए कैपिटल होना चाहिए बस, ये ए कैपिटल हो गया, अब हो गया ये, तो यहाँ से जब जाएंगे ना तो आपका डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, यानी फाइनल पेएबल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ, यहाँ पे 5,000 हुआ लेकिन 50 रुपए डिस्काउंट हो जाने के बाद से यहाँ पे 4,950 आ रहा है, ठीक है। ये मैच बॉक्स है, MATCH होगा, ये हो गया, ठीक है, ये मैच बॉक्स हो गया। अब यहां पर आते हैं, यहां पर कर देते हैं कुछ और, लाइक सपोज कीजिए मैं कर देता हूं मॉनिटर, ये कर दिया मॉनिटर, और मॉनिटर एक कितने का है, 10,000 का, कितने का है 10,000 का, और ऐसे ऐसे 5 मॉनिटर की बात आएगी तो ये क्या हो गया इस तरीके से। अब इस पे 5% का अगर डिस्काउंट लग जाए तो क्या होगा, तो देखिए सारी चीजें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। अब आप इसके लिए चाहे तो फॉर्म बना सकते हैं, यहां से जाके क्रिएट पे जाके अपना फॉर्म डिजाइन कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे बना लीजिए, ठीक है, या यहाँ से मोर फॉर्म पे जाकर के बना लीजिए। आप चाहे तो इसके लिए पाइवोट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ फॉर्म व्यू में जाकर के इस तरीके से इसको क्वेरी वन के नाम से सेव करते हैं और ये जो क्वेरी लगाई है इसी के हिसाब से हमें सब कुछ चाहिए, तो बस यहाँ पे जाकर के ओके करिए और यहाँ पे जो भी स्टाइल आपको पसंद हो उस स्टाइल से जाके यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे ये सारे फील्ड आपको लेके आने होंगे, ये पहला फील्ड हो गया, ये दूसरा हो गया, इस तरीके से सब लेके आना पड़ेगा एक एक करके। और चाहे तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ये कलर ठीक नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर, ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर है हमारा, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये प्राइस हो गया, फिर यहाँ पे यूनिट करते हैं, फिर यहाँ पे टोटल करते हैं, ये टोटल हो जाएगा, और टोटल करने के बाद डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है, और डिस्काउंट अमाउंट के बाद फाइनल पेएबल, और फाइनल पेएबल के बाद ये हो गया डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट है ऊपर, डिस्काउंट अमाउंट नीचे है, ठीक है, देख ही सकते हैं आप। तो ये इस तरीके से बन जाएगा और जब आप इसको प्रिंट करेंगे, मतलब इसको शो करेंगे देखने के लिए, तो ये कैसा दिखेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको ज़रा सही कर लेता हूँ, उसके बाद ये छोटा करके यहाँ से और यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है, तो अब ये ऐसा दिखेगा। अब करना क्या है, यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देख सकते हैं। इसमें चाहे तो कॉम्बो बॉक्स लगा सकते हैं आप, कॉम्बो बॉक्स कहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, यहाँ से जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पर जाकर के ड्रैग करवा दीजिएगा इसे, तो ये इस तरीके से आएगा, लास्ट वाले पर टिक कर दीजिएगा, इस पर भी नहीं, इस पर भी नहीं, लास्ट वाले पर करना है, ठीक है, यहाँ से जा करके, और बस यहाँ पर हम आईडी के बेस पे ही सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आए और यहाँ पर ओके कर दिया, तो ये हो गया इस तरीके से। और इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा कलर हमें डार्क करना होगा, तो यहाँ से ये ब्लैक कलर कर देंगे और ब्लैक कलर कंट्रोल बी करके इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, और जब भी हम यहाँ से जाएंगे ना तो ये दूसरा, अब देखिए दूसरा रिकॉर्ड दिख रहा है, यहाँ से जो भी चेंज करेंगे उसके हिसाब से रिकॉर्ड चेंज भी होते रहेंगे, ठीक है। और रिपोर्ट डिजाइन करनी होगी तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, इससे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये जो कैलकुलेट नहीं हो रहा था वो कैलकुलेट भी होने लगेगा, ठीक है, ओके।